आलू के क्रैक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 3 वाइट आलू, इनको हमने घिस लिया है, और पिसी हुई चीनी 3 चम्मच बारीक पीस लेना आपको। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, आधी चम्मच से कम डालना है, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और बहुत थोड़ा सा काला नमक, बहुत थोड़ा डालेंगे जिससे इसका अच्छा फ्लेवर आए। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक इनका हम डो तैयार कर लेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाएगा, बहुत चटपटा लगता है ये आलू का क्रैक्स। रक्षाबंधन पे आप बना के खाइए, सबको बहुत अच्छा लगेगा। एक नया सा स्नैक्स है, नई सी रेसिपी है आलू के क्रैक्स की। अब यहाँ पर हम हाथ में लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल, और इसकी छोटी सी पेड़ी लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। इसे हल्का सा रोल करके कर लेंगे, और हल्का सा प्रेस करके इसमें बीच में बिल्कुल छेद कर लेंगे, इसके दोनों तरफ से अलट पलट करके इसमें आपको छेद कर लेना है। देखिए कितनी बढ़िया इसकी शेप आई है, जैसे क्रैक्स की शेप होती है बिल्कुल ऐसी शेप आ गई है। आपको ऐसे इसको सेट कर लेना है हाथ से, छोटी छोटी पेड़ियाँ बना के आप इनको रख लीजिएगा। जैसे इसमें नमक है तो नमक रखने से ढीला पड़ जाएगा, तो आप कोशिश ये कीजिए जब आपको बनाना हो, जब भी हाथ के हाथ में से बना के आप तलिएगा, रखने से क्या होगा इसे पतला हो जाएगा, तो प्रॉब्लम आएगी इसको बनाने में। हमने यहाँ पर थोड़े से बना के रख लिया पीस इनको तलने के लिए, फिर हम इसके बाद हाथ के हाथ इनको तलेंगे। ज़्यादा देर हम इसको रखेंगे नहीं तो वो पतला पड़ जाएगा। अब इनको हम तल लेंगे। यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, लो टू मीडियम फ्लेम आपको कर लेनी है। इसको आप थोड़ा सा सेट कर लीजिए, मान लीजिए लगता है कि आपका वो कहीं से खुल रहा है तो आप उसको सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इसको हम एक एक करके डाल लेंगे, थोड़ा गैप गैप से, एकदम से नहीं डालेंगे। फ्लेम का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। और जब ये थोड़े से तलने लगेंगे तो इनको हम पलट के दूसरी तरफ से सेक लेंगे। पहले आप हल्का सा हिला लीजिए उनको, फिर उनको अलटते पलटते अच्छा अच्छा सा करारा सा सेक लीजिएगा। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, बच्चे बड़े सब बहुत खुश होकर खाएंगे। इसे आप सॉस के साथ सर्व कीजिए या ऐसे ही खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए कितने बढ़िया हमारे आलू के क्रैक्स बन के आ चुके हैं, तो आप भी बनाइए, हमें बताइए आपकी रेसिपी कैसी लगी।